नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर से हो जाएगा तैयार, क्योंकि एक बार फिर से लेकर के आ चुके एक और नई शानदार कार, जिस गाड़ी का नाम बेशक मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी है दोस्तों टाटा नैनो। काफ़ी शानदार है गाड़ी और वाइट कलर की पूरी गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। क्या है इस गाड़ी के अंदर, क्या आपको नहीं मिलता, सारा कुछ डिटेल आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले गाड़ी। तो कुछ इस टाइप से गाड़ी का आपको फ्रंट लुक देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको दो नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाता है। इसमें कोई भी प्रोजेक्टर नहीं आती, हालांकि इसमें आपको अंदर से ब्लैक कलर का थोड़ा बहुत फिनिशिंग किया हुआ देखने को मिलेगा, जिससे थोड़ा काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। और अगर हम ओआरवीएम की बात करें तो जी हाँ, हेडलाइट इनबिल्ट आपको ओआरवीएम में मिल जाता है। साथ ही साथ आपको फ्रंट में सिंगल वाइपर मिल जाएगा, सिंगल वाइपर के साथ आपको एक वॉशर भी दे दिया जाता है। छत के ऊपर सिंगल एंटीना और नीचे में आपको फॉग लैंप भी देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको टाटा के बैजिंग फ्रंट में देखने को मिल जाती है। और अगर हम इस गाड़ी के टायर कंडीशन की बात करें, क्योंकि जैसा कि ये गाड़ी दोस्तों आप देख रहे हैं सेकेंड हैंड गाड़ी, और सेकेंड हैंड गाड़ी जब भी आप ले रहे हैं तो टायर कंडीशन गाड़ी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर इसका मैं टायर कंडीशन बताऊँ तो इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों 60-70% के आसपास टायर की लाइफ, जी हाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा इसको आप ख़राब नहीं बोल सकते हैं। और अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 12 इंचेस का टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल एलॉय इसमें आपको देखने को मिलेगा, 12 इंचेस का ही नॉर्मल स्टील व्हील एलॉय। और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं नहीं, तो हाँ जी हाँ, आफ्टर मार्केट भी इसमें चाहें तो एलॉय लगवा सकते हैं 12 इंच का, या फिर आप उससे बड़ा भी लगवाते हैं तो भी लगवा सकते हैं, बस आपको सस्पेंशन का फिर काम कराना पड़ेगा। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको प्लास्टिक के जो व्हील कैप्स होते हैं ना, वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, सो उससे भी आप काम चला सकते हैं। और ओआरवीएम की बात करें तो बॉडी कलर आपको ओआरवीएम इसमें देखने को मिल जाता है, हालांकि इसमें कोई भी ऑटो फोल्डेबल या फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल जैसा फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, स्क्रैच आपको एक भी गाड़ी के ऊपर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि गाड़ी जब आप लेंगे तो आपको गाड़ी के ऊपर मतलब बाहर से जो डेंट वेंट का काम होता है ना, वो आपको कराने की जरूरत नहीं है, तो इसमें आपका बिल्कुल पैसा बच जाने वाला है इस गाड़ी को लेने के बाद। तो ओवरऑल आपने बाहर से गाड़ी देखा ही होगा दोस्तों कैसा है, चलिए अभी मैं आपको पीछे से बता दूँ पीछे से इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले पीछे में इसमें आपको काफ़ी बड़ा सा विंडशील्ड देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई भी रियर वाइपर या फिर डिफॉगर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही इसमें आपको स्टॉप लाइट मिल जाता है दोस्तों, छोटा सा एक स्पॉयलर भी मिल जाता है। टेन लाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें टेन लाइट नॉर्मल बल्ब वाला दिया गया, कोई LED टेन लाइट इसमें नहीं आता है दोस्तों। साथ में टाटा के बैजिंग, पीछे से आप इसका बूट जो है आप ओपन कर सकते हैं, जी हाँ, लॉक एंड अनलॉक आप इसको मैनुअली बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको पीछे में स्टॉप लाइट भी मिल जाएगा। इंजन की रही बात तो जी हाँ, इंजन इसमें पीछे है, जीजे रजिस्टर्ड नंबर गाड़ी, यानी कि मैं आपको बताऊं तो गुजरात रजिस्टर्ड नंबर गाड़ी है। हालांकि गाड़ी का NOC भी अवेलेबल है, तो आप कोई भी स्टेट्स हों या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स हों, आप बहुत ही आराम से गाड़ी को बाई कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जैसे कि मैंने बताया था वाइट कलर की गाड़ी, बिल्कुल चमचमाती हुई गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। बाहर से तो आपने पूरी तरीके से देख ही लिया होगा, मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ आखिरकार इंटीरियर इस गाड़ी की कैसी है, लेकिन उससे पहले आप बूट देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को नैनो में ऐसा लगता है कि बूट ज़्यादा नहीं है नैनो का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, एक तो पीछे में आपको दो स्पीकर्स मिल जाएगा पार्सल ट्रे के ऊपर, साथ ही साथ इसमें आपको बूट भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है, 280 लीटर का इसमें आपको बूट एक्सेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इस गाड़ी के लिए। छोटी सी गाड़ी है, सिटी कार है, 280 लीटर बूट एक्सेस कोई कम नहीं है। कुछ इस टाइप से गाड़ी का इंटीरियर है। सीट पहले देखिए, सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है नो डाउट, और रियर सीट भी आप देख सकते हैं दोस्तों, रियर सीट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें आपको स्पेस भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, 2 से 3 लोग आप बहुत ही आराम से बैठा सकते हैं रियर में, नो डाउट। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नैनो के अंदर बहुत कम स्पेस है, पीछे में लेग रूम हेड रूम कुछ नहीं है, तो भाई आप सामने में देख ही रहोगे, मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है। इंटीरियर भी काफ़ी शानदार इस गाड़ी का, जिसमें आपको डुअल टोन कलर के साथ डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। इसमें आपको फ्रंट में 2 बड़े बड़े ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पेस है। ग्लव बॉक्स के जस्ट बगल में आपको 2 स्पीकर्स दे दी गई हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें नॉर्मल बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, कोई इसमें आपको डिजिटल मीटर नहीं दिया गया दोस्तों। साथ ही साथ इसमें आपको AC के बारे में बताऊँ तो फ्रंट में 4 AC वेंट मिल जाएंगे, वहीं पीछे की बात करें तो पीछे में आपको एक भी इसमें AC वेंट देखने को नहीं मिलता। AC जो है विथ हीटर के साथ है, सो ठंडी व गर्मी दोनों आप इस गाड़ी के AC के पूरे पूरे मजे जो है उठा सकते हैं। AC कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो मैनुअली इसमें AC कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाता है, नो डाउट। और अगर बात करें दोस्तों म्यूजिक सिस्टम की, तो इसमें आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी आपको फीचर्स मिल जाएगा, तो आप आराम से इसमें ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को कनेक्ट करके गाने को बजा सकते हैं बिना कोई परेशानी के। वहीं अगर हम स्टेयरिंग की बात करें तो इसका जो स्टेयरिंग है वो नॉर्मल बेसिक सा दिया गया है, इसमें कोई भी आपको पावर बटन या फिर मीडिया कंट्रोल सिस्टम नहीं दी गई है दोस्तों। पावर स्टेयरिंग की रही बात तो जी हाँ, पावर स्टेयरिंग दिया गया है। इसका जो गियर है वो आपको मैनुअली आपको देखने को मिल जाएगा, हालाँकि गियर ऑटोमेटिक इसमें आती है, तो अगर आप वो वेरियंट चाहें तो भी आप ले सकते हैं। और इसका जो फ्रंट का दोनों विंडो से गाड़ी का वो आपको पावर बटन के साथ मिल जाएगा, और पीछे का जो आपको मैनुअली देखने को मिल जाएगा।
और ये रहा टाटा का बैजिंग जो कि काफ़ी शानदार लगती है दोस्तों, और टाटा कंपनी की गाड़ियाँ तो ऑब्वियसली टाटा के आपको बैजिंग मिलेगा। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं दोस्तों गाड़ी का मॉडल। तो आप देख रहे हैं टाटा नैनो 2016 मॉडल, जी हाँ काफ़ी अपर मॉडल गाड़ी है, काफ़ी शानदार। और ये जो गाड़ी है पेट्रोल वेरियंट में मिल जाएगा, पेट्रोल पर अगर मैं आपको इसका एवरेज बताऊँ तो आपको सिटी में 19-20 के एवरेज बहुत आराम से निकाल के देगी। वहीं अगर हम हाईवे की बात कर लें तो हाईवे पर आपको 26-27 एवरेज बहुत आराम से निकाल के दे देगी। तो ओवरऑल एवरेज तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इस गाड़ी का। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसमें सीएनजी लगवाने का कि इसमें सीएनजी लगवा सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल आप इस गाड़ी को लेने के बाद चाहें तो सीएनजी भी इसमें लगवा सकते हैं। सीएनजी आप गाड़ी के अंदर दो तरीके से इंस्टॉल करवा सकते हैं, एक ब्रांड न्यू सीएनजी और दूसरी होगी आपके सेकंड हैंड सीएनजी। सो सबसे पहले तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा सीएनजी लगवाएंगे, ब्रांड न्यू या फिर सेकंड हैंड। अगर आप गाड़ी के अंदर सेकंड हैंड सीएनजी लगवाएंगे तो ऑब्वियसली 15,000 के आसपास आपका खर्चा आएगा, वहीं अगर आप ब्रांड न्यू लगवाएंगे तो 30,000 के आसपास आपका खर्चा आने वाला है। सेकंड हैंड सीएनजी में दोस्तों डिफरेंस यही होगा कि गाड़ी का जो सिलेंडर होता है ना, मतलब सीएनजी का जो सिलेंडर होता है वो बस आपका पुराना होने वाला है, बाकी सब वायरिंग वायरिंग सब नया ही होता है। इसमें 5 किलो तक का आप सीएनजी लगवा सकते हैं, उससे बड़ा आप नहीं लगवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सीएनजी के ऊपर एवरेज की, तो आपको सिटी में बहुत ही आराम से 27-28 का एवरेज निकाल के दे देगा, और वहीं अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पर आपको 30-32-35 आराम से निकाल के दे देगा। तो ओवरऑल अगर एवरेज की बात करें ना तो एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नो डाउट एवरेज में भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं किलोमीटर के बारे में, आखिरकार ये जो गाड़ी है अभी तक में कितने किलोमीटर चली हुई है। दोस्तों ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अभी तक में 28,000 किलोमीटर चली है, जी हाँ आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 28,000 किलोमीटर चली हुई आपको गाड़ी मिल रही है, तो और क्या ही चाहिए। साथ में उसका गियर मैनुअल है। ऑनरशिप की बात करें तो फर्स्ट ऑनर गाड़ी आप जब लेंगे तो बन जाएंगे इस गाड़ी के सेकेंड ऑनर। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों इस गाड़ी के लोकेशन की, कहाँ की ये गाड़ी है, दोस्तों ये गाड़ी है अहमदाबाद की। जी हाँ गाड़ी लेने के लिए या फिर गाड़ी देखने के लिए आपको अहमदाबाद ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में भी, आखिरकार कितने रुपए खर्च करेंगे तो ये जो गाड़ी है आपकी अपनी हो सकती है। तो दोस्तों इस गाड़ी को लेने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 1,15,000 रुपये, जो कि प्राइस नॉगोशियेबल भी है, प्राइस ऐसा नहीं कि फिक्स है। सो प्राइस और कम हो जाएगी, प्राइस का आप ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाड़ी आपको पड़ जाएगी 80,000 से 90,000 के अंदर में। रही बात ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर की, कहाँ मिलेगी, तो ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्प्ले पे प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना, सीएससी ऑनर से बात हो जाएगा। जो भी आपको पूछना हो गाड़ी से रिलेटेड या फिर जो भी आपको बात करना हो पेपर से रिलेटेड, आप बात करके पूछ सकते हैं। गाड़ी को जाएँ चेक करें और अपने साथ एक मैकेनिक को जरूर से जरूर ले जाएँ, ताकि आपके गाड़ी का इंजन को बढ़िया से चेक कर दे, फिर आप गाड़ी को ले सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ सभी लोग को इस गाड़ी के बारे में जल्द से जल्द पता चल सके और जिनको लेना हो लोग ले सके। तो हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।